जनपद शाहजहाँपुर में पुलिस बदमाशों का काल बनी हुई है। जितने नामी और इनामी बदमाश हैं उनका सफाया शाहजहाँपुर जनपद से करने में लगी है। थाना खुटार पुलिस व बदमाशों के बीच लोंगापुर गुरुद्वारे के पास पूरनपुर रोड पर मुठभेड़ में टॉप 10 व 25,000 का इनामी बदमाश गुरमीत व उसके साथी हरवंश को बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल व देशी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। बदमाश पर गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। गिरफ्तार बदमाश थाना खुटार में गैंगस्टर केस में वांटेड चल रहा था। पूछताछ के दौरान पता चला कि पकड़ा गया बदमाश गुरमीत करीब 30 वर्ष पूर्व मेने सुजानपुर आया था। शुरुआत में किसानों की जमीनों को ठेके पर लेकर खेतीबाड़ी करता था। बाद में गुरमीत का परिवार कच्ची शराब के कारोबार में उतर गया और करीब 5 एकड़ जमीन पक्का मकान खेतीबाड़ी के तंत्र खरीद लिए। पकड़े गए अभियुक्त पर कई केस दर्ज हैं और कई बार इस बदमाश ने पुलिस पर हमला भी बोला है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। थाना खुटार पुलिस को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी गुरमीत जो कि शराब माफिया के रूप में मैनिया क्षेत्र में काम कर रहा था उसको दौरान मुठभेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित था, थाने का हिस्ट्री शीटर है और थाने के टॉप 10 में भी ये इसका नाम सम्मिलित है। खुटार पुलिस द्वारा सुरागरसी तारसी करते हुए पता किया गया तो यह पता चला कि इसकी सप्लाई कई जनपदों में इलिसिट लेकर भी हो रही थी, जैसे कि शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। और इसकी गिरफ्तारी से हमें आशा है कि जो इलिसिट लिकर की सप्लाई है उसको हम कर पाएंगे। मुलजिम को न्यायिक हिरासत में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है।